मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। आइए, साइबर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग बातें करेंगे केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। जो छोटी छोटी बिंदु है उस बिंदु पे बातें करेंगे। और अभी जो सिलसिला है वो अभी साइंस का है, तो कुछ टॉपिक को लेके खत्म करते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे, है ना। इससे पहले भी मैंने बताया, वो भी आप लोगों ने बहुत अच्छा से देखा, उसका जवाब भी दिया। आज मैं फिर इसको बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि उसी तरह से और भी आसान हो जाए, यानी आप एक बार में आपको समझ में बेहतरीन तरीके से आए। और ये जो सिलसिला बहुत सारे विद्यार्थियों को लग रहा था, अब रिप्लाई आने लगा कि सर साइंस से डर लगती थी, अब जो है उन लोगों से जवाब आ रहा कि नहीं, अब हमको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। यानी मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि आप लोग बड़े आसानी से समझे और देखे। मेरा एक कोशिश रहेगा, ना आर्ट्स ना साइंस ना कॉमर्स, सबको मैं एक बराबर करूँगा, है कि ना, इतने आसान कर दूंगा। बस शर्त आप हिम्मत रखें और देखें, ध्यान से देखिए, इधर है कि नहीं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं सबसे पहले बात करूंगा इलेक्ट्रिक बल्ब। पहला पॉइंट है मेरा इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब जिसको बोलते हैं हिंदी में विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब। तो प्रश्न ये है, आप विद्युत बल्ब देखे होंगे, तो विद्युत बल्ब में जो तार जो देखे होंगे, ललका वाला तार, पीला टाइप का जो बल्ब रहता है, 10-15 टकम जो मिलता है, उसी बल्ब के बारे में बात कर रहे हैं। तो उस बल्ब में देखे होंगे अंदर में जो तार रहता है पतला जैसा जो जलता है, वो तार जो है उसी को फिलामेंट बोला जाता है। वो का चीज का बना रहता है मालूम है, कौन से धातु का बना रहता है? तो वो तार जो है ना वो टंगस्टन का बना रहता है। क्या चीज का? टंगस्टन का, टंगस्टन का बना रहता है, जिसको हम लोग सूचित करते हैं W से। वो जो तार जो बना होता है किसका बना होता है? टंगस्टन का, टंगस्टन का। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा, है ना। अब हम बात करते हैं जो हम लोग मोबाइल जो रखे हैं ना, मोबाइल या कैमरा वाला सब जो फोटो खींचता है, उसमें जो रहता है ना फ्लैश लाइट जो फोटो खींचते हैं, उसमें भी वो तार लगा हुआ रहता है, फ्लैश लाइट जो होता है। चलिए हम लिख दे रहे हैं, वो फ्लैश लाइट आप देखे होंगे, फ्लैश बल्ब, फ्लैश बल्ब, तो उसमें भी एक तार रहता है जो फोटो खींचते हैं हम लोग, फोटो नहीं खींचते हैं, या कैमरा वाला जो रहता है वो फोटो जो खींचता है, उसमें वो फ्लैश लाइट में जो क्या रहता है, तार लगा हुआ रहता है। तो वो तार का चीज का बना रहता है? तो बहुतों का मन में सवाल उठ रहा है, वो तो टंगस्टन का होगा, नहीं, वो टंगस्टन का नहीं होता, वो का चीज का होता है? वो मैग्नीशियम का होता है। का चीज का होता है? हाउ जो है वो मैग्नीशियम का होता है, मैग्नीशियम का, जिसको सूचित करते हैं Mg से। आप समझ में आ जाते हैं कि नहीं? तब आप सब बोले नहीं, वो जो फोटो खींच रहा है ना ओकरा में की है, टंगस्टन है, मैग्नीशियम है ना, टंगस्टन नहीं है। आप समझ में आ गया ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरा, तीसरा जो हम बात करते हैं पानी, है ना, जल का। तो जल कितने प्रकार का होता है? आप देखिए जल, है ना, हम लोग बात करते हैं जल कितने प्रकार का होता है, तो बोलेंगे जल दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। तो कौन कौन? एक होता है हार्ड वाटर, एक होता है हार्ड वाटर, और एक होता है सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर, है ना, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं कठोर जल, कठोर जल, और इसको बोलते हैं मृदु जल, हिंदी में मृदु जल। तो हम लोग बात करेंगे कठोर जल के बारे में। किसके बारे में? कठोर जल। आखिर की कठोर जल कठोर होता है क्या? पूछा जाता है कि जल की कठोरता का कारण क्या है, तो आपको बताते हैं। जैसे अभी हम बताएं क्या चीज, कि जल जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, जिसमें से क्या है, हार्ड वाटर, है ना, हार्ड वाटर, और एक होता है सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर को कठोर जल बोला जाता है, जबकि सॉफ्ट वाटर को क्या बोला जाता है? मृदु जल। हम लोग बात करते हैं कि कठोर जल कठोर क्यों होता है, कठोरता का कारण क्या है? तो कठोरता का कारण जो है वो आपका है कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम, लिख देते हैं,
कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम, यही दोनों जड़ है जो कि कठोर होता है। इन्हीं दोनों के कारण क्या होता है, जल कठोर होता है कि नहीं। बहुतों का मन में आया वो मृदु जल सॉफ्ट वाटर जो हम लोग पीते होते हैं ना, वही समय समझ में आ गया। नहीं, कठोर जल के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो कठोर जल का कठोरता का कारण क्या है, तो उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का कारण है। अब हम आगे बात करते हैं दूसरे चीज का, क्या चीज का, समुद्री जल का हम बात कर रहे हैं। अब समुद्री जल का कठोर जल तो हो ही गया है कि नहीं, बात कर रहे हैं समुद्री जल सी वाटर, हम बात कर रहे हैं समुद्री जल का, समुद्री जल। तो आपसे पूछा जाएगा कि समुद्री जल में क्या पाया जाता है, समुद्री जल में क्या पाया जाता है, तो बोलेंगे समुद्री जल में तो हम लोगों को सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। क्या पढ़ा जाता है, सोडियम क्लोराइड, यानी बोले तो नमक है कि नहीं, नमक क्या पाया जाता है, नमक। आपसे पूछा जाए समुद्री जल में क्या पाया जाता है, तब तुरंत बोलेंगे वो समुद्री जल में नमक NaCl पाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए समुद्री जल में कौन सा धातु पाया जाता है, तो आप बोलेंगे सोडियम, सोडियम क्योंकि धातु है, सोडियम क्या है, धातु है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि समुद्री जल में कौन सा धातु पाया जाता है, तो क्या बोलेंगे, सोडियम धातु पाया जाता है। सही बात में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है, तो बोलेंगे सोडियम धातु। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है, तो बोलेंगे सोडियम धातु। लेकिन एक चीज बताइए, समुद्री धातु, समुद्री जल जो होता है, ये तो आपको पता चल ही गया कि समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है, तो समुद्री यही सोडियम पाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए समुद्री जल कठोर जल है कि मृदु जल है, यानी हार्ड वाटर है कि सॉफ्ट वाटर है, आपसे पूछ लिया जाएगा। अब बताइए समुद्री जल जो है वो क्या होता है, कठोर जल है कि मृदु जल है, तो आप क्या बोलेंगे, समुद्री जल जो होता है वो कठोर जल होता है, क्या होता है, कठोर जल। समुद्री जल जो है वो क्या है, कठोर जल है। और हम लोग जानते हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए समुद्री जल कठोर जल है कि मृदु जल है, सॉफ्ट वाटर है कि हार्ड वाटर है, आप बोलेंगे ये हार्ड वाटर है, कठोर जल है। तो अब एक चीज बताइए कठोर जल का कारण क्या है, तो बोलेंगे ओ कठोर जल, कठोर जल में तो पाया जाता है क्या चीज, वही कैल्शियम हुआ और वही मैग्नीशियम हुआ है कि नहीं। कठोर जल में क्या पाया जाता है, तो वही कैल्शियम हुआ और वही मैग्नीशियम हुआ, ठीक है ना, तो याद रखना है कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो कभी कभी होता क्या है, कभी कभी होता क्या है कि समुद्री जल में पूछ लेगा कि क्या पाया जाता है, तो हम लोग तो जानते हैं सोडियम पाया जाता है, और ऑप्शन में करेगा क्या, सोडियम देवे नहीं करेगा। फिर से बता दें, कभी कभी पूछेगा कि समुद्री जल में क्या पाया जाता है, कौन सा धातु पाया जाता है, तो मेरे मन में तो ख्याल रहेगा सोडियम, और सोडियम ऑप्शन ही में नहीं देगा, और जब सोडियम ऑप्शन में नहीं देगा तो हम लोग का माथा छिड़िया जाएगा है कि नहीं, पैर हाथ चिल्ला देंगे, अरे बाबा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं। उस समय क्या करेंगे, उस समय याद आएगा कि समुद्री जल क्या होता है, कठोर, कठोर में क्या पाया जाता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण, ऑप्शन में दोनों में से कोई जरूरी रहेगा, समझ गए ना। तो उस समय क्या करेंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम मार देंगे, समझ में आ गया ना। फिर से बोल देते हैं कि ऑप्शन में कभी कभी क्या होगा, समुद्री जल पूछ लेगा उसमें सोडियम दे नहीं करेगा, उसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम दे देगा, तो याद रहे सोडियम ना रहे तो उस समय क्या मार दे, कैल्शियम या मैग्नीशियम। लेकिन अगर पूछ ले कि समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो बोलेगा सबसे अधिक मात्रा में क्या रहता है, सोडियम धातु पाया जाता है, और ई ना रहे तो कैल्शियम और मैग्नीशियम मारना है। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा, तो समुद्री जल भी समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे निकले हैं, तो चलिए हम लोग आगे निकलते हैं, समुद्री जल हो ही गया, अब हम लोग चलते हैं फोटोग्राफी की तरफ, किधर, फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी का नाम जैसे सुने कोई और बर्दाश्त कर ले तुरंत मुंह टेढ़ा है ना, तुरंत मुंह टेढ़ा, हाथ टेढ़ा, गाल टेढ़ा, सभे मुंह बिचकावे, ठोर बिचकावे है कि नहीं, ऐसे तो फोटोग्राफी का नाम से एक सने में आ जाए, हाथ ऊपर कर ले, फोटो खींच लो जी, है कि नहीं, ले फोटो ले, गाना भी आ जाएगा, चला के गाना भी चला है।
तो फोटोग्राफी जो है, फोटोग्राफी कभी कैमरा में जो एक समय हुआ करता था, अभी नहीं, एक समय हुआ करता था फोटोग्राफी में, तो कैमरा वाला कैमरा मैन के पास जो कैमरा जो होता था उसमें एक रील होता था, रील, रील समझ रहे हैं ना, देखे हुए अंदर में जो नेगेटिव हम लोग बोलते थे कि रील हुआ करता था फोटोग्राफी एक समय में। अभी तो खैर मोबाइल हो गया तो रील वगैरह खत्म हो गया, नहीं हुआ तो वो रील जो होता था, याद कीजिए है ना, या नहीं तो अगल बगल से पूछिएगा बताएगा, इसमें कैमरा जो होता था ना, कैमरा में रील होता था, रील जो लगाते थे अलग से, वो रील वाला देख लीजिए, वो रील जो बना होता था क्या चीज का बना होता था, समझ में आ रहा, फिर से बोल रहे, फोटोग्राफी में जो कैमरा जो होता था उसमें एक रील होता था, क्या होता था, रील, वो रील जो है क्या चीज का बना होता था, फोटोग्राफी में जो है एक रील होता था, है ना, जिसको फिल्म बोलते हैं, फिल्म है ना, वो रील को जो है ना वो बना होता था सिल्वर ब्रोमाइड का, क्या चीज का बना होता था, सिल्वर ब्रोमाइड का, इसको हम लिख देते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का। आपको हम फिर से बोल देते हैं, जो कैमरा जो फोटो खींचते थे ना उसमें पहले रील हुआ करता था, रील देखते निकालने के लिए, है ना, नेगेटिव जैसे कभी दिखाया होगा, रील, रील समझ में आ गया होगा, रील आपका, वो रील जो होता था क्या चीज का बना होता था, वो सिल्वर ब्रोमाइड का बना हुआ रहता है। लेकिन उसी फोटोग्राफी में जो रील होता था उसी रील को जो है ना साफ करने के लिए कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता है, प्रश्न पूछता है कि फोटोग्राफी में जो रील का प्रयोग किया जाता है वो क्या चीज का बना होता है, वो फिल्म जो है क्या चीज का बना रहता है, तो आप बोलेंगे सिल्वर ब्रोमाइड का, एजी का, AgBr का, क्या चीज का, एजी। फिर से बताते, कैमरा जो एक समय में जी कैमरा होता था उसमें रील हुआ करता था, अगर नहीं तो पूछिएगा ना बता देगा, वो रील जो है वो क्या चीज का बना होता था, तो वो जो है ना सिल्वर ब्रोमाइड का बना होता है। लेकिन उसी रील को साफ करने के लिए, जो रील है उसी रील को साफ करने के लिए किस एसिड का प्रयोग किया जाता है, तो बोलेंगे ऑक्जेलिक एसिड। किस एसिड का प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड का, जो रील होता था उसका साफ करने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता था, ऑक्जेलिक एसिड, जिसको हिंदी में ऑक्जेलिक अम्ल बोला जाता है, ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक अम्ल, हिंदी में नाम अगर दिक्कत हो तो थोड़ा सा देख ले, इंग्लिश मेरा सही है, हिंदी वाला थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, देख लेना, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल बोला जाता है ना। तो आपको लगता है ये आपको फोटोग्राफी आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ें या नहीं, अगर इजाजत देते हैं तो बढ़ जाएंगे और इजाजत नहीं देंगे तो भी हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आर्टिफिशियल रेन के बारे में बात करते हैं। आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल रेन किसको बोलता है मालूम है, आर्टिफिशियल रेन जो है, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल रेन जो होता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम वर्षा। जैसे कृत्रिम वर्षा का नाम बोले तुरंत याद आएगा, मूवी में, मूवी वगैरह में देखते हैं ना जी, जो कि एक हीरो और हीरोइन दोनों एक सीन आता है जो एकदम पूरा मोमेंट ही कुछ अलग रहता है, उस समय जो पानी गिरता है, अरे उसको नहीं बोलता है कृत्रिम वर्षा, उसे तो पाइप से पानी गिरा देता है, वो नहीं है। जैसे ये बात बोलेंगे बहुतों के तो एक्साइटेड मन हो गया, वो इतना रोमांटिक सीन, ऐसा कुछ नहीं, वो तो खैर हम लोग बात करते हैं, वो कृत्रिम वर्षा उसको नहीं बोलते हैं। जब दो हीरो हीरोइन जो मूवी में दिखाता है मिलते हुए और पानी जो गिरता है वो कृत्रिम वर्षा नहीं, वो तो पाइप से गिरा देते हैं। कृत्रिम वर्षा जो होता है दुबई वगैरह में कराया जाता है, जहाँ पे पानी का, पानी नहीं गिरता है ना, तब उस समय वहां पर गिरा जाता है। तो वहां पर जो प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए है कि नहीं, तो वहां सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का, किसका, सिल्वर आयोडाइड का, सिल्वर आयोडाइड, जिसको AgI बोलते हैं, है ना। कृत्रिम वर्षा के लिए जहां पर पानी नहीं होती है, जहां पर पानी वर्षा नहीं होती, जहां पानी नहीं गिरती, हम लोग का यहाँ तो बरसातों में ठंडियों में पानी गिर जाता है कभी कभी, फिलहाल इस बार तो नहीं गिरा है, हम लोग के कभी मोमेंट बनना चाहिए बस पानी गिर गया ठंडों में, लेकिन कहीं कहीं होता है जो पानी नहीं गिरता है, हाहाकार मचा रहता है, वो सब जगह में क्या होता है कृत्रिम वर्षा, है ना, किया जाता है, मानव द्वारा वर्षा कराया जाता है। तो वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का। अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बोले कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। फिर से बोल दें, अगर पूछ ले कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बोलेंगे सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। क्या कुछ और पूछना है तो चले, है कि नहीं। अब एक चीज बताइए, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। कभी आप लोग वोट देने गए हैं
तो बहुत से बोले कि नहीं हम लोग तो अभी जवाने नहीं हुए, अभी तो हम लोग बच्चे हैं। चलो कोई बात नहीं, सब उम्र घटा घटा के बच्चा बन के बैठा हुआ है, सबका उम्र 18 साल पार हो गया है, सब उम्र घटा घटा के बोलता है अभी बच्चे हैं हम लोग। खैर कोई दिक्कत नहीं है, एक समय होगा पता चलेगा कि 25 साल में सबका बाल पक गया, जैसे देखो मेरा पक गया है कि नहीं। चला जाए आगे बढ़ते हैं, तो उस समय बोलेगा नहीं अभी पेट खराब है, अभी गर्मी की वजह से वो बाल पक जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं। चला जाए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इच्छा ऐसे ही बोले, सही बात है कि उम्रों से पहले किसी का बाल पक जाता है। ठीक है, तो जो वोट दिए ठीक है, नहीं दिए होंगे तो अपना माँ बाप दादा दादी नाना नानी किसी को तो देखे कहे भैया मौसा मौसी है ना, चाचा बेटा पोता सबको बहुत है ना देखे होंगे। तो वोट देने के बाद जो ना उंगली में क्या करता है, तो इसी तरह का मार्कर रहता है, उससे क्या करता है ऐसे कर देता है। तो यहाँ पर हम लोग जो चलाते हैं ना तुरंत मिट जाएगा, ऐसे करेंगे मिट जाएगा और फिर दोबारा जाकर वोट दे देंगे। लेकिन वहां जो वोट देने जाते हैं ना वहां वाला नहीं मिटेगा, थोड़ा सा सूखा ना काम खत्म, कोई चांस नहीं मिटेगा। तो आखिर की वोटर इंक का जो प्रयोग किया जाता है, वो जो वोटर इंक में क्या रहता है, वोटर इंक में क्या प्रयोग किया जाता है ना, जब लोग वोट देने जाते हैं और वोट देने के बाद इसी तरह का मार्कर रहता है, यहाँ उंगली में क्या करता है घस देता है, तो घसने के बाद जो है घसता है ना, तो वो नहीं मिटता है, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। किस चीज का, सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। तो अगर आपसे पूछ ले कि बताइए वाटर इंक में किसका प्रयोग किया जाता है, तो बोलेंगे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। अगर पूछ ले वाटर इंक में किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। चलिए आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब हम लास्ट चीज पे जाते हैं, एक लास्ट 8वां नंबर जो जेनोन, सुने होंगे जेनोन क्या बोला जाता है, जेनोन, जेनोन को सूचित करते हैं XE से। जेनोन के बारे में, जेनोन क्या है मालूम है, ये एक ऐसा अक्रिय गैस, आप तो जानते हैं नोबल गैस है ना, इनर्ट गैस अक्रिय गैस है ना, तो जेनोन एक ऐसा अक्रिय गैस है मात्र, जो किसके साथ, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ क्या तो बॉन्ड बनाता है, बाकी और कोनो नहीं बताता। आप सुने भी होंगे कि कोई जो है ना अक्रिय गैस किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, कोई बॉन्ड नहीं बनाता है, लेकिन एकलौता कौन है, एकलौता जेनोन है जो क्या करता है, एकलौता जेनोन है जो किसके साथ, तो फ्लोरीन के साथ, किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन और किसके साथ, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ क्या करता है बॉन्ड बनाता है, दोनों के साथ क्या बनाता है बॉन्ड, आबंध बनाता है, आबंध बनाता है ना। तो ध्यान रहे अगर आपसे पूछ ले कि वो कौन सा अक्रिय गैस है, क्या अगर पूछ ले आपसे वो कौन सा अक्रिय गैस है वो जो क्या फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, और मात्र यही दो चीज है जिसके साथ क्या करता है बॉन्ड बनाता है, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा है ना। अब हम चलते हैं, यहीं तक रहने देते हैं, आपसे हर रोज की तरह आज भी एक प्रश्न पूछते हैं कि नहीं। एक चीज और जान ले कि जेनोन को है कि नहीं, आपको एक चीज और बोल दें कि जेनोन को अजनबी गैस भी बोला जाता है, बहुत जेनोन को क्या बोला जाता है, अजनबी गैस बोला जाता है, तो ध्यान रखें अजनबी गैस बोला जाता है, जेनोन को क्या बोला जाता है अजनबी गैस। तो चलिए हम आपसे पूछ ले कि नहीं, आप लोगों से पूछ ले कि एक चीज बताइए कृत्रिम, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दे क्या चीज का, कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। हम फिर से पूछ ले कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फिर से एक बार बोल दे कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है नीचे, धन्यवाद।